दोस्तों आज हम आपको दिखाने आए हैं मनाली में स्थित द रॉयल रेजेंसी, जो कि बहुत ही सुंदर लग्जूरियस होटल है फॉर कपल्स। चलिए आपको हम इस होटल की एक चीज़ों से रूबरू कराते हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं आपको दिखाने यहाँ की पार्किंग, क्योंकि मनाली में पार्किंग का बड़ा इशू होता है और हर होटल में ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो यहाँ पर ये बड़ा सा पार्किंग एरिया है जिसमें आप लोग काफ़ी सारी कार्स पार्क कर सकते हैं। चलिए लेकर चलते हैं आपको हम होटल के अंदर। सबसे पहले जब आप लोग इस होटल में एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रिसेप्शन, और यहाँ पर चेकआउट का जो टाइम है वो 11 AM है और चेक इन का टाइम 12 noon है। रिसेप्शन के जस्ट बराबर में ही आपको यहाँ पर लॉबी देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी बड़ी है और स्पेशियस है। यहाँ पर आप चेक इन और चेकआउट के समय पर बैठकर आराम कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आपको सबसे पहले इस होटल के सुपर डुपर लग्जूरियस हनीमून स्वीट रूम्स को दिखाने। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आपको लिफ्ट की सुविधा दी गई है, अगर आप लिफ्ट से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। सो दोस्तों अब हम लोग आपको दिखा रहे हैं रॉयल स्वीट रूम, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और आप इसमें बेडिंग देखेंगे तो राउंड बेड है, जो कि हनीमून कपल्स के लिए ना बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। साथ में आप देखेंगे यहाँ LED भी दी गई है और इलेक्ट्रिक कैटल दी गई है रूम में, और साथ में दो सोफ़ा चेयर दिया गया है ताकि आप यहाँ बैठकर कुछ मोमेंट्स को एंजॉय कर सके। और अगर आप लोग फैशन करने के शौकीन हैं तो सामने आप देख सकते हैं एक मिरर भी दिया गया है, और नीचे ड्रॉवर भी दी गई है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। और यहाँ पर भी एक और कैटल दी गई है, और द गुड थिंग इज कि जो ग्लास हैं वो प्रॉपरली पैक्ड है, तो इससे क्लीननेस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लग्जूरियस ये रूम है। इस रूम से आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। सो अगर आप लोग इस रूम से बाहर आते हैं तो आपको ये पूरी वैली देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू दिखता है, और साथ में यहाँ बैठने के लिए ना बालकनी में आपको दो चेयर भी दी गई हैं, साथ में एक स्टूल दिया गया है। चलिए अब चलते हैं आपको इनका दूसरा रूम दिखाने। इससे पहले आपको एक बार इनका वॉशरूम दिखाते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। ये देखिए यहाँ का ये वॉशरूम है, वेल नीट एंड क्लीन वॉश बेसिन, और साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर इनके खुद के सोप दिए गए हैं और मॉइस्चराइज़र, कंडीशनर और शैम्पू वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं, और जिस पर रॉयल रेजेंसी की ब्रांडिंग भी है। साथ में आपको यहाँ मिल जाता है बाथटब और वेस्टर्न कमोड। आप ये देख सकते हैं कि ये भी पूरी तरीके से सील पैक है, जो कि यहाँ की क्वालिटी को दर्शाता है और बताता है ये कितना नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इनके रूम नंबर 307 में, जो कि बहुत ही खूबसूरत और मेरा सबसे फेवरेट रूम है। इस रूम में जब आप एंट्री करेंगे तो आपको प्योर वाइब फील होगी कि हाँ यार, बहुत ही कूजी और बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस ये रूम है। तो इस रूम की बात करें तो ये रूम है 307, और बहुत ही खूबसूरत ये रूम है। जो कलर कंट्रास्ट है ना इस रूम का, वो मुझे बेहद ही पसंद आता है। साथ में बात करते हैं फ्लोरिंग की, तो यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग दी गई है, और सामने आपको एक मिरर दिया गया है, नीचे एक ड्रॉवर है, और यहाँ पर एक बड़ा LED TV भी लगाया गया है। बात करते हैं यहाँ पर कैटल की, तो यहाँ पर आपको चाय पीने की और कॉफ़ी पीने की पूरी सुविधा दी गई है, साथ में एक इलेक्ट्रिक कैटल दी गई है। ये चाय के लिए है, और दूसरा पानी के लिए एक अलग यहाँ पर बॉटल दी गई है। और जो ग्लास है ना वो वेल मेंटेन है और साफ है। सबसे खूबसूरत और अच्छी बात इस होटल की ये है कि यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप साफ सफाई के मामले में थोड़े से सजग है ना, तो ये रूम्स आपको बहुत ही पसंद आएंगे। अगर हम इस रूम से बाहर के व्यू की बात करते हैं तो यहाँ से जो व्यू दिखता है ना वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है, और नीचे इनका लॉन दिखता है। और अगर हम ऊपर की बात करें तो पूरे माउंटेन्स पीक यहाँ से दिखते हैं, और बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। साथ में बैठने की बालकनी में यहाँ भी अरेंजमेंट किए गए हैं। चलिए चलते हैं और इनका अब हम आपको दिखाते हैं वॉशरूम, क्योंकि किसी भी होटल में अगर आपको रूम की वैल्यू देखनी है तो उसका वॉशरूम इस बात को बताता है। वॉशरूम में जैसे एंटर करेंगे तो आपको सफाई बिल्कुल दिखेगी। यहाँ पर वेल सैनिटाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड कमोड है, साथ में अगर आप लोग देसी तरीके से नहाते हैं तो बकेट एंड मग दिया गया है,
और यहाँ पर भी ऐसे ही साफ वॉश बेसिन भी उपलब्ध है। और नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर होटल रॉयल रेजेंसी की आपको सोप मिलेगी, और साथ में ये जो आपके बॉडी लोशन है और कंडीशन वगैरह है, शैम्पू वगैरह, वो यहाँ पर मिल जाएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं इनका डाइनिंग एरिया। यहाँ पर अगर आप लोग ग्रुप के साथ आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर डाइनिंग टेबल्स लगी हुई बहुत ही सुंदर लगेंगी, वेल नीट क्लीन डेकोरेटेड और बहुत ही साफ सुथरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जब आप इनके डाइनिंग रूम से बाहर आएंगे ना, तो आपको यहाँ पर बैठने की जो सुविधा है वो भी मिलेगी। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हम यहाँ के लॉन में, जो कि काफ़ी खूबसूरत है और आपको यहाँ पर होटल वाली फीलिंग नहीं बल्कि नेचर वाली फीलिंग ही देगा। और यहाँ पर है ना बैठने के लिए आपको काफ़ी सुविधाएं मिल जाएंगी, और काफ़ी बड़ा ये लॉन है। यहाँ पर छोटी मोटी पार्टीज़ करने के लिए, डीजे नाइट्स या बॉनफायर करने के लिए ये काफ़ी अच्छा स्पेस है और काफ़ी सुंदर भी दिखता है। यदि आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर है ना बहुत अच्छा फील होगा। यदि आप इस होटल रॉयल रेजेंसी में अपने लिए रूम बुक करवाना चाहते हैं, तो इस होटल की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप डायरेक्ट बुकिंग भी करा सकते हैं।